देख रहे हैं खटपट न्यूज। जेनिफर विंगेट हिंदी सीरियल का जाना माना नाम है। अपने अभिनय और खूबसूरती से जेनिफर ने टेलीविजन सीरियल में सभी अभिनेत्रियों को टक्कर का मुकाबला दिया है। जेनिफर अपने हर किरदार को बहुत अच्छे से निभाती हैं और इसलिए लोग उनके हर किरदार को बराबर का प्यार देते हैं। जेनिफर ने टीवी सीरियल से पहले फिल्मों में काम करना शुरू किया था। 1997 में आई फिल्म राजा की आई की बारात में जेनिफर ने बाल कलाकार से शुरुआत की थी। जेनिफर को छोटे पर्दे के सीरियल में बहुत प्यार मिला। सोनी टीवी के सीरियल बेहद में उनके किरदार को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। जेनिफर इसे सीरियल के दूसरे भाग यानी बेहद 2 में भी दिखाई देने वाली है, जो जल्द ही सोनी टीवी पर शुरू होने वाला है। बेहद 2 का ट्रेलर लोगों को बेहद से भी ज्यादा पसंद आ रहा है। जेनिफर ऐसी पहली अभिनेत्री है जिन्होंने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर संजय लीला भंसाली के टीवी सीरियल सरस्वती चंद्र में मुख्य अभिनय किया था। ये संजय लीला भंसाली का पहला टीवी सीरियल था। जेनिफर विंगेट की लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत है। जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को गोरेगांव मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। जेनिफर के पापा का नाम हेमंत विंगेट है और मां का नाम प्रभा विंगेट है। जेनिफर का एक बड़ा भाई है जिसका नाम मोसेस विंगेट है। जेनिफर ने अपने स्कूल की पढ़ाई सेंट जेवियर्स हाई स्कूल मुंबई से की थी और कॉलेज की पढ़ाई KJ सौम्या जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से बैचलर इन कॉमर्स में की थी। जेनिफर क्रिश्चियन धर्म की है। ये अभिनेत्री अपने घर वालों के काफी करीब है और अपनी हर एक परेशानी की बात वो अपने घर पर बताती है। जेनिफर विंगेट ने 2012 में टीवी के मशहूर एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी। इन दोनों की शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई थी और 2 साल बाद ही इन्होंने अलग होने का फैसला लिया था। 2014 में करण और जेनिफर ने आपसी समझौते के साथ एक दूसरे को तलाक दिया और अलग हो गए थे। इन दोनों की मुलाकात स्टार प्लस के सीरियल कसौटी जिंदगी की सेट पर हुई थी और वहीं से शुरू हुआ था इन दोनों के बीच प्यार का सिलसिला। जेनिफर जल्द ही टीवी के सबसे पसंदीदा सीरियल बेहद के दूसरे पार्ट यानी बेहद 2 में दिखने वाली है। जेनिफर विंगेट ने 12 साल की उम्र में फिल्म राजा की आई की बारात में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। 14 साल की ही उम्र में हिंदी फिल्म कुछ ना कहो में एक बार फिर बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी थी। कुछ समय बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया और फिर हिंदी सीरियल में दिखने लगी थी। जेनिफर ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2002 में आई स्टार प्लस के सीरियल शकलका बूम बूम में पिया के किरदार से की थी। जेनिफर की पहचान लोगों के बीच तब बढ़ने लगी थी जब उन्होंने स्टार प्लस के लोकप्रिय सीरियल कसौटी जिंदगी की में स्नेहा बजाज का किरदार किया था। 2009 में आए सीरियल दिल मिल गया में जेनिफर ने शिल्पा आनंद को रिद्धिमा गुप्ता किरदार से हटाया था और ये किरदार खुद जेनिफर ने किया था। इस सीरियल में भी जेनिफर ने करण सिंह ग्रोवर के साथ मुख्य अभिनय किया था। 2013 में बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर संजय लीला भंसाली के टीवी सीरियल सरस्वती चंद्र में मुख्य किरदार निभाया था। ये संजय लीला भंसाली का पहला टीवी सीरियल था। जेनिफर ने सीरियल में कुमुद देसाई का किरदार निभाया था। इसे पूरे 2 साल भी नहीं हुए थे कि सीरियल को बंद करना पड़ा था। सीरियल सरस्वती चंद्र में किए गए जेनिफर के किरदार के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला था। 2016 में सोनी टीवी में शुरू हुआ जेनिफर विंगेट का सबसे लोकप्रिय सीरियल बेहद। ना केवल इस सीरियल को बल्कि लोगों ने इस सीरियल के स्लोगन हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता प्यार भी नहीं को बहुत पसंद किया था। इस सीरियल में दोस्ती और प्यार को दर्शाया गया था। जेनिफर विंगेट के साथ इस सीरियल में कुशल टंडन और अनेरी बिजानी भी थी। इस सीरियल में जेनिफर ने माया मल्होत्रा का किरदार निभाया था। माया के साइको किरदार को जेनिफर ने इतने अच्छे से दर्शाया कि पूरे 1 साल तक चला ये शो, कभी टीआरपी में नीचे गिरा ही नहीं था। अभी सोनी टीवी पर इसी सीरियल का दूसरा भाग बेहद 2 भी जल्द आने वाला है। जेनिफर के फैंस इस सीरियल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2018 में कलर्स के सीरियल
बेपनाह में भी जेनिफर ने हर्षद चोपड़ा के साथ काम किया था। ये सीरियल अपने एक साल के अंदर ही बंद हो गया। इस सीरियल के बंद होने के बाद जेनिफर को अभी हाल ही में बेहद 2 के ट्रेलर में देखा गया है। अपने अभिनय से पाए सफलता की वजह से जेनिफर ने कई सारे और भी अवार्ड्स जीते हैं। यूके के अखबार ईस्टर्न आई ने उन्हें 2012 में अपनी 50 मोस्ट सेक्सी एशियाई वुमेन्स में शामिल किया था। 2013 में जेनिफर को इस टाइम की लिस्ट में फिर से शामिल किया गया था और इस बार वो 15वें रैंक पर थी। जेनिफर को रेडिट द्वारा टेलीविजन की टॉप 10 अभिनेत्रियों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। 2018 में एक बार फिर जेनिफर विंगेट को ईस्टर्न आई की सबसे सेक्सी एशियाई वुमेन की लिस्ट में शामिल किया था।